हेलो एवरीवन आई एम अर्पित रहा और आज बात करेंगे यू सीट के एप्लीकेशन फॉर्म की क्योंकि वही चर्चा में है तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो भरी जानी है उसमें क्या क्या कौन सी चीज है और कैसे कैसे भरनी है तो सारी इंपॉर्टेंट बातों पे बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होता है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है प्लीज आप उसको पहले खुद जरूर पढ़ लो अच्छे से और उसके बाद उसमें जो डाउट्स है वो आप हमसे पूछो वैसे इस वीडियो में मैं ज्यादा सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी देखो ये आपका एग्जाम है आपकी लाइफ है तो आप किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ज़रूर पढ़ लो वैसे भी फ्री में अवेलेबल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वहाँ से आप डाउनलोड करो और पढ़ो तो चलो इसको शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो इक्कीस जनवरी को पेपर है सुबह नौ से बारह और यहाँ पर ये बात बस लिखी हुई है कि पार्ट ए और पार्ट बी में एग्जाम को डिवाइड किया गया है तो पार्ट ए बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और पार्ट बी आपका ड्राइंग बेस्ड एग्जाम है जो आपको एक शीट पे दिया जाएगा बाकी एक इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने पर लिख दिया है कि एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से उसको भरना और फॉर्म भी जल्दी भर लेना एंड में पता नहीं चलता है कि जो हम चाहिए वो सेंटर अवेलेबल रहेगा या नहीं तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हम दे सकते हैं या एग्जाम या नहीं तो इसीलिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है इन्होंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है एज लिमिट एज लिमिट के लिए इन्होंने क्लियरली एक डेट दी हुई है दैट इज अक्टूबर तो जनरल कैटेगरी के, के स्टूडेंट्स के लिए नाइन है बाकी एस सी और डिसेबिलिटी कैटेगरीज के, के लिए नाइनटीन है डेट सेम है उनको एडिशनल फोर इयर्स का मार्जिन मिला हुआ है तो आप इस डेट के हिसाब से एक बार जरूर चेक कर लो कि आपकी जो बर्थ डेट है वो इससे पहले तो नहीं आ रही है इस पे या इसके बाद वाले सारे एलिजिबल है सेकंड क्राइटेरिया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का अब यहाँ पर मैंशनड है मैक्सिमम ऑफ टू अटैम्प्ट बट उसके साथ एक और चीज़ है दोज टू अटैम्प्ट शुडी इन द कंजेकेटिव ईयर्स मतलब दोनों अटैम्प के बीच में गैप नहीं होना चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है अगर आपका बीच में गैप है तो आप नहीं दे सकते उसके बाद दोनों कंजेटिव ईयर्स में देना जरूरी है उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन का। तो इस बेसिकली क्लास तो पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि अगर हमने इस टाइम पे दिया है तो एलिजिबल है या नहीं देखो आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में बिल्कुल है 12th 2023, वो कर चुके हैं एंड दोज हुआ इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सिर्फ इन दोनों के लिए एलिजिबल है लेकिन क्योंकि डाउट्स इतने ज्यादा रहते हैं तो उन्होंने एक और लाइन भी लिखी है कि दोज अपियर इन in क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू और बिफोर दैट आर नॉट एलिजिबल अब ये पोर्टल है यहाँ पर ऑफिशियल जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एप्लीकेशन फॉर्म सब डाउनलोड कर सकते हो थर्ड अक्टूबर को यह आया था फाइनल डेट इसकी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक हफ्ता और दे दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि सब लोग लेट लतीफ है लेकिन दिस नवंबर एथ डेट डोन्ट रिलाई ऑन दिस प्लीज मेक श्योर यू फिल द फॉर्म बिफोर थर्टी फर्स्ट ओनली बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलता है कभी कभी साइट भी हैंग रहती है तो आप उससे पहले ही भरो यहाँ पर एडिशनल फाइव हंड्रेड रुपीज भी पे करने पड़ेंगे आपको तो आप उसमें मत जाओ मेक श्योर यू फिल इट बिफोर थर्टी फर्स्ट ऑल राइट नाउ लेटेस्ट टॉक अबाउट द डॉमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ना इन फॉर डॉक्यूमेंट्स दे आर फोर फाइव पॉइंट्स डिस्कस दो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए फुल फ्रंटल फेस का तो फोटोग्राफ जो है आपका वो सिक्स मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए तो मेक श्योर दैट इट इज क्लिक्ड इन लास्ट सिक्स मंथ्स ओनली और उसका सेवेंटी टू 80 परसेंट एरिया बस आपके फेस को क्लियरली दिखाए जिससे कि आपका आइडेंटिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो मेक श्योर अबाउट दैट दूसरा स्कैंड कॉपी होनी चाहिए आपके फुल सिग्नेचर की ऑन वाइट पेपर तो ये आप ध्यान रखना बैकग्राउंड ऑफ द सिग्नेचर शुड बी वाइट एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड बी इन द जेपी फॉर्मेट मेक श्योर अबाउट इट कोई और फॉर्मेट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट सो मेक श्योर इट इज इन जेपी जी फॉर्मेट आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट then another point is qualifying examination certificate now those who have done their 12th exam in 2023 they must have got आपको वो passing certificate mark sheets अम मिल गया होगा right so you have to give them in pdf format now yahan par ek doubt पूछते hain ki passing certificate भेजें या फिर mark sheet भेजें देखो generally passing certificate goes with it but अगर आपको ऐसा कोई doubt भी हो रहा है तो आप दोनों का scan कर लो but एक single pdf बना उनकी now अगर जो 2024 में अपीयर होंगे तो उनके पास तो कुछ होगा नहीं अभी सर्टिफिकेट तो उसके लिए एक अपेंडिक्स वन दिया होता है एंड में आप वो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपने स्कूल से उसको सर्टिफाई करवा लो कि यू आर स्टूडेंट ऑफ देयर स्कूल और अपियरिंग वो फॉर्मेट पूरा गिवन होता है उसमें कुछ नहीं करना होता है स्कूल विल जस्ट सर्टिफाई के हाँ आप उनके स्टूडेंट हो तो आप वो करवा सकते हैं बाकी अगर किसी के नाम में कुछ चेंज होना है मान लो आपका जो ऑफिशियल नेम किसी और डॉक्यूमेंट में कुछ और है और उसमें कुछ चेंज आ गया है सर्टिफिकेट में तो उसके लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन बनता है वो पता होता है किसी से भी पता कर सकते हैं वो आप बनवा सकते हैं ओके चलो तो ये तो बात हो गई हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की जनरली अब बात कर लेते हैं ज़रा एग्जाम में क्या करने वाले हैं हम जाकर तो क्वेश्चन पेपर के बारे में बहुत सारी अभी बात है कि सिलेबस बदल गया है कुछ नहीं हुआ है बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बदले हैं अदरवाइज नथिंग एज चेंज सो डोंट वरी और वो भी देख लेते हैं कि कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है थोड़ा कम ही हुआ है ऐसे कुछ बड़ा नहीं है स्पेशली इन पार्ट ए तो टोटल पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होगा उसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया हुआ है तो पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं तो पार्ट ए इज बेसिकली 200 मार्क्स एंड टू आवर्स इज द टाइम अलॉटेड इसमें तीन सेक्शन होते हैं फर्स्ट सेक्शन इज एन ए टी विच इज़ न्यूमेरिकल आंसर टाइप इसको इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है उसका एक आंसर आप ड्राइव करेंगे और आपको एग्जैक्ट आंसर टाइप करना होता है मतलब ऑप्शन नहीं होते हैं और क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर मांग रहे हैं आपसे और ऑप्शन नहीं दे रहे तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और सही अटैम्प्ट फोर मार्क्स मिलते हैं सो नो नेगेटिव मार्किंग एंड फोर मार्क्स बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी देन दीज क्वेश्चन आर फोर्टीन इन नंबर अर्लियर दे यूज टू बी एट्टीन अब उन्होंने फोर्टीन कर दिए हैं सेकेंड सेक्शन इज एम एस क्यू विच इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन इसमें क्या होता है एक से ज्यादा आंसर होने की भी पॉसिबिलिटी है और ये वाले क्वेश्चन हमारे फिफ्टीन आएंगे अब इसमें एक चीज पूछते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स की पार्शल मार्किंग होती है या नहीं तो पार्शल मार्किंग होती है क्या होता है कि जैसे सपोज ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट लेकिन आपने दो ही टिक की है या तीन ही टिक की है या एक ही टिक किया उस सारे केस में आपको अवार्ड होते हैं थोड़े से मार्क्स लेकिन वो कैसे कैसे अवार्ड होते हैं वो आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल में दिखाया हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में बस इसमें एक बात याद रखनी है कि सपोज दो आंसर करेक्ट हैं और आपने दो लगाए उसमें एक गलत वाला टिक कर दिया कोई जो नहीं था तो वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा उस केस में आपको अवार्ड नहीं होंगे अगर सही ही लगाए हैं और कम लगाए तो आपको मिलेंगे बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं पूरा दिया हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा तो थर्ड सेक्शन आता है हमारे पार्ट ए का एमसीक्यू विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब इसमें क्योंकि एक आंसर सही होता है बाकी कोई सही नहीं होता है तो इसमें सीधा है कि अगर आपका सही है तो आपको थ्री मार्क्स मिल जाएंगे गलत है तो आपको पॉइंट सेवन वन आपका नेगेटिव मार्क्स है ओके okay, इसमें ट्वेंटी एट क्वेश्चन आएंगे तो अगर हम ओवरऑल पार्ट ए को देखें तो यहां पर टोटल हमारे फिफ्टी सेवन क्वेश्चन इस पर और टाइम अलॉटेड है टू आवर्स सो लगभग दो मिनट है पर क्वेश्चन लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन दो ही मिनट में करने हैं क्योंकि देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो दो मिनट से ज्यादा लेंगे जैसे कि सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं तो हम वो टाइम कहां से लाएंगे तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जरूर होंगे जो दो मिनट से कम में हो जाएंगे इनफैक्ट एक मिनट से कम में भी हो जाएंगे तो आपको उन क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है तो ये कैसे होगा कि आप एक मिनट में क्वेश्चन कर पाओगे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आपको कहीं भी किसी भी सोर्स से नहीं करनी है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए उनका अप्रोच समझिए डेफिनेटली वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत जल्दी हो रहे हैं तो ये बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है और राइट right, अब बात करते हैं पार्ट बी की पार्ट बी में एक्चुअली ज्यादा ऐसा बन गया है कि बहुत बढ़ गया है सिलेबस और ये हो गया है देखो कुछ नहीं हुआ है आप स्केचिंग का क्वेश्चन तो ऑलरेडी अभी कर ही रहे थे अब उन्होंने क्या कर दिया है कि दो क्वेश्चन कर दिए तो पहला स्केचिंग है वो भी फिफ्टी मार्क्स का है दूसरा उन्होंने तो अब ये इसमें भी पूछेंगे और क्योंकि इंट्रोड्यूस हो रहा है तो माइ गैसेज की वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे शायद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का ही पूछेंगे पर देखो 100 परसेंट तो अभी किसी को नहीं पता वो तो एग्जाम में पता चलेगा लेकिन अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की तैयारी करते हो जैसे आप सीड के क्वेश्चन देखते हो एन के देखते हो तो उससे फायदा ये होगा कि अगर उन्होंने आपसे कुछ बनवा भी लिया तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते करते वो सब चीज़ नोट करते रहोगे तो वो आपको बनाने में भी हेल्प करेगा तो आप उस तरीके से तैयारी करिए एनआईडी और सीट के क्वेश्चन लगाइए बाकी कुछ ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा नॉर्मली है तो आप इससे बिल्कुल डरो मत अच्छी बात यह होती है डिजाइन एग्जाम की कि कोई बहुत बड़ा सिलेबस आपको रटना नहीं है कहीं पर ऐसा कुछ थ्योरी लिखने के लिए नहीं आने वाली है तो आपके पास अभी एम्पल टाइम है अगर आप अभी भी अच्छे से तैयारी शुरू करते हो और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उनके अप्रोच को क्रैक करते हो तो आप अभी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो बी पॉजिटिव अबाउट इट और आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो ये वाले मैथ्स के थ्योरम्स नहीं आते वो नहीं आते देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो विजुअल्स से तो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अप्रोच देखो और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ और ये एग्जाम अभी भी क्रैकेबल है अभी इतना टाइम आपके पास है बाकी आप ए, एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखिए आपको कोई डाउट आता है तो हमें लिखिए बाकी आपको जनरली भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं विल गेट बैक टू यू और तब तक आप डिज़ाइन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे